नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल मट्टू 2664 में। दोस्तों, अभी लास्ट टाइम मैंने देहरादून से हरिद्वार के लिए ब्लॉग बनाया था, जिसमें मैं रायवाला जाकर उसे ब्लॉग को बंद कर दिया था। तो आज मैं इस ब्लॉग को आगे बना रहा हूँ। तो आज हम जा रहे हैं हरिद्वार, और अब मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हरिद्वार पहुँचने में मुझे कितना टाइम लगा रायवाला से, और ये भी बताऊँगा कि हरिद्वार के कौन कौन से ब्रिज चालू हो गए हैं और कौन कौन से अभी रह गए हैं। और हरिद्वार से भी काफ़ी खुशखबरी आई है, मैं आपको अभी इस ब्लॉग में बताऊंगा। दोस्तों, ये रायवाला से लेकर हरिद्वार के बीच में भी अच्छा काफी काम खींच लिया है इन लोगों ने। एक तो मोतीचूर का ब्रिज और एक आपका दूधाधारी चौक का ब्रिज अभी शायद चालू नहीं हुआ है, बाकी ब्रिजेस इन्होंने काफ़ी चालू कर दिए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से ब्रिज चालू हो गए और कौन कौन से अभी रह गए। अभी रोड ये वन वे कर रखा है मोतीचूर का, शायद राइट साइड में कुछ काम चल रहा है हरिद्वार से आने वाली रोड पे, मगर आप स्पीड अच्छी मेंटेन कर सकते हैं। मैं 80 के आसपास चल रहा हूँ, अभी स्पीड अच्छी मेंटेन हो रही है। दोस्तों, ये सामने मोतीचूर फाटक के ब्रिज हैं जो बहुत जल्दी चालू होने वाले हैं, अभी फिलहाल ही बंद है। ये मोतीचूर फाटक के ब्रिजेस हैं, ये भी मुझे लग रहा है मुश्किल से मुश्किल 7 दिन के अंदर, आज 4 तारीख है और ये 7 दिन के अंदर बोल रहे हैं कि चालू हो जाएंगे। तो फिर हमारा काफ़ी टाइम बचेगा, हमें यहाँ से शांति कुंज तक क्रॉस करने में जब ये पुल चालू हो जाएंगे मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट 30 सेकंड लगेंगे, और नीचे से हमें लगते हैं 10 to 15 मिनट। दोस्तों, उत्तराखंड गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर जो ये कुंभ मेले के लिए तैयारी की है बहुत अच्छी की है, और ये काफी काबिले तारीफ है। जो ये हाईवे का काम पिछले 15 साल से चल रहा था उत्तराखंड के, ये अब कंप्लीट हो गया है, और उसका श्रेय जाता है केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को। दोस्तों, ये वो ब्रिज है मोतीचूर फाटक का, जो काफी लंबा ब्रिज है, ये काफी लंबा डिस्टेंस कवर करेगा। ये मोतीचूर से पहले स्टार्ट होगा और जाके शांति कुंज पे उतरेगा, तो ये काफी लंबा ब्रिज है, काफी लंबा डिस्टेंस ये कवर करेगा। दोस्तों, हम शांति कुंज पहुंच गए हैं, और रायवाला से शांति कुंज तक पहुंचने में हमें लगे हैं 5 मिनट, और ये जो एरिया हमने कवर करा है 4.5 किलोमीटर का करा है, 5 मिनट लग गए हमें शांति कुंज पहुंचने में रायवाला से। ये रहा शांति कुंज। गाड़ी की स्पीड है लगभग लगभग 80 किलोमीटर पर, तो आप स्पीड अच्छी मेंटेन कर रहे हैं। बीच में मुझे कमेंट आया था दोस्तों के पॉसिबल नहीं है 45 मिनट में देहरादून से हरिद्वार पहुंचना, तो अभी तो काफ़ी ब्रिजेस चालू नहीं हुए हैं, उसके बावजूद भी मेरे को लगता है 38 मिनट में मैं रायवाला पहुंचा था, और वहां से 12 मिनट में मैं अभी फ़िलहाल हरिद्वार पहुंच जाऊंगा। तो जब ये ब्रिजेस चालू हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि मैं देहरादून से 42 मिनट में या 45 मिनट के अंदर अंदर हरिद्वार गाड़ी लगा सकता हूँ, स्पीड लिमिट में जो लिमिट गवर्नमेंट ने दी है, स्टेट गवर्नमेंट ने और राष्ट्रीय राजमार्ग ने
उसी स्पीड के अंडर। ये दूधाधारी चौक आ गया दोस्तों, ये ब्रिज भी अभी तैयार होने वाला है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें अभी लगभग लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम अभी लगेगा। तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे गाड़ी थोड़ा रहेंगी, थोड़ा जाम भी लग सकता है कुंभ टाइप पे। मेन है हरिद्वार, हरिद्वार का मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों फिलहाल हम पहुंच चुके हैं आपका स्वर्ग आश्रम बोल रहा हूँ। दोस्तों फिलहाल हम पहुंच चुके हैं खड़खड़ी मोड़ पे, और यहां से आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। खड़खड़ी मोड़ से लेकर और आपका हर की पैड़ी तक जो गाड़ी की स्पीड निर्धारित की गई है, खड़खड़ी मोड़ से और हर की पैड़ी तक जो यहाँ पे लिमिट दी गई है गाड़ी को चलाने की, वो 50 किलोमीटर की दी गई है। मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ, 50 किलोमीटर का बोर्ड आएगा, अगर उससे तेज चला रहे हैं तो हर की पैड़ी पे पुलिस वाले खड़े हैं कैमरे लेके। देखिए ये बोर्ड आ रहा है, इस पर लिखा हुआ है स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर। अब मेरे को 50 किलोमीटर के हिसाब से चलना पड़ेगा। मेरे को 11 मिनट हो चुके हैं रायवाला से चले हुए, और हर की पैड़ी आने वाला है, हरिद्वार नपता हर की पैड़ी से, तो मुझे लगता है मैं 12 से 13 मिनट में पहुँच जाऊँगा। आगे स्पीड वाले खड़े हैं तो मुझे स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही रखनी पड़ेगी गाड़ी की। तो दोस्तों जो पहला ब्रिज चालू हुआ है वो ये वाला हुआ है, ये आपका भगवान शिव जी की मूर्ति के पास सामने जो ब्रिज था, ये बहुत दिनों से चालू नहीं हुआ था, तो पहला ब्रिज ये चालू हो चुका है, तो बहुत अच्छी बात है, ये अब जाम से निजात मिलेगी। तो पहला ब्रिज जो चालू हुआ है वो ये है, और भी दिखाता हूं आपको। और दोस्तों दूसरा ब्रिज चालू हुआ है हर की पैड़ी का, ये देखिए बाय गॉड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खुशखबरी है ये कि दूसरा ब्रिज जो चालू है हुआ है वो हर की पैड़ी का भी चालू हो चुका है। ये देखिए लेफ्ट साइड में है कार पार्किंग। दोस्तों जो तीसरा ब्रिज चालू हुआ है वो है चंडी घाट का, हम पहुंच चुके हैं हर की पैड़ी, और हमने 13 मिनट में रायवाला से गाड़ी हर की पैड़ी लगा दी है, वो भी उस स्पीड में जो स्पीड निर्धारित की गई है, मैंने ओवर स्पीड गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाई है। तो अब ये तीसरा जो ब्रिज चालू हुआ है ये चंडी घाट का है, तो अब जाम से मिलने वाली हम लोगों को निजात, अब हरिद्वार आने के लिए आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा। ये देखिए ये है चंडी घाट का पुल, पहले मैं नीचे से जाना पड़ता था, लेफ्ट जाएंगे हम चंडीघाट की तरफ, राइट जाएंगे हम हर की पैड़ी की तरफ, और स्ट्रेट निकलेंगे हम दिल्ली के लिए। तो ये वो ब्रिज है जो चालू हो चुका है, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत जाम लगता था दोस्तों इस ब्रिजों की वजह से, और कई बार तो हरिद्वार से ऋषिकेश जाते हुए 2-2, 3-3 घंटे लग जाते थे सीजन के टाइम पे। तो एक ब्रिज ये चालू हो चुका है, और एक ब्रिज और आगे और चालू हो चुका है दोस्तों, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों एक ब्रिज ये चालू हो चुका है, मगर इस पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इस पर 50 की स्पीड दे रखी है, तो 50 से ऊपर इस ब्रिज पे हम गाड़ी नहीं चला सकते। ये तीसरा ब्रिज है दोस्तों जो चालू हो चुका है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। अब आपको दिल्ली से कहीं से भी, हरियाणा से, हिंदुस्तान में कहीं से भी अगर आप कुंभ में नहाने के लिए हरिद्वार आ रहे हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे वो लंबे लंबे जाम जो लगते थे घंटों के वो नहीं लगेंगे,
और जिन्हें ऋषिकेश देहरादून जाना है वो सीधे निकल जाएंगे, उन्हें यहाँ जाम में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये दो ब्रिज मेन चालू हो चुके हैं, एक चंडीगढ़ का और एक ये चंडीगढ़ से आगे वाला। अब आ गया रानीपुर मोड़ वाला कट, और अगर हम यहाँ से सीधे चले जाए तो हम पहुंच जाएंगे सिंधवार। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उत्तराखंड के निवासियों के लिए भी, और बाहर से जो पर्यटक आते हैं यहाँ पे, जो हर आप कहीं भी चले जाए, दिल्ली चले जाए, कहीं भी चले जाए, सब ये कहते हैं यार हरिद्वार में बहुत जाम लगता है। तो अब हरिद्वार में जाम नहीं लगेगा, आप आइए यहाँ पे, अब हरिद्वार में कोई जाम नहीं लगेगा, अब आपको जाम से निजात मिल गई है। देखिए कितनी आसानी से मैं हर की पैड़ी से यहाँ तक मात्र 2.5 मिनट में आ गया हूँ, सिंधवार आने वाला सामने। तो दोस्तों अपने ब्लॉग को मैं करता हूँ अब यहीं समाप्त, आगे भी आपको जानकारी दूंगा। देखिए सामने सिंधवार का यूटर्न आ गया, वहां से मैं यूटर्न लूंगा अब हरिद्वार जाने के लिए। तो आगे भी आपको मैं नई नई जानकारी देता रहूंगा। और मैंने जो यहाँ पे गाड़ी लगाई है सिंधवार में 15 मिनट में, रायवाला से 15 मिनट लगे हैं मुझे सिंधवार तक आने के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। आगे भी आपको मैं नए नए हाईवेज के बारे में और नए नए ब्रिजेस के बारे में जो हरिद्वार के चल गए बताता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों।